Hello students, welcome back to my channel Creative Classes. Today we will discuss one of the important topics of math, that is inverse Pythagoras theorem. Please subscribe this channel and also like and share it if you like my teaching style as well as content. So let's get started. First we will discuss about statement of inverse Pythagoras theorem. What is statement? So let's discuss if in a triangle the square on one of the sides equals the sum of squares of the remaining two sides of a triangle, then the angle contained by remaining two sides of triangle is a right angle. ठीक है, सेम एज इट इज पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही है ऑलमोस्ट. देखो स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, सपोज करो ये वाली, ठीक है, ए बी सी है. हमें पता है कि जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है. ठीक है, ये तो हमें पाइथागोरस थ्योरम बताती है. और हमने इसमें प्रूव क्या करना है कि ये वाला एंगल है दैट इज राइट एंगल. ठीक है, जो क्या है, हम लेके चलेंगे पाइथागोरस और प्रूव क्या करेंगे, इनवर्स. दैट इज वी हैव टू प्रूव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, सो पहले देखो डायग्राम क्या है इसकी. पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे. ठीक है, ए बी एंड सी. ठीक है, तो देखो प्रूव क्या करना है. टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल CAB is equal to 90 degree. अब हम इसमें क्या है, इसकी एक प्रोजेक्शन भी ड्रॉ करेंगे यही वाली राइट एंगल ट्राइंगल की. ठीक है, तो प्रूफ कैसे होगा, इन ट्राइंगल ABC, ABC में देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इसमें क्या आएगा, BC square BC square is equal to AB square plus AC square. According to Pythagoras हमारी ये वाली statement बनेगी ये वाले triangle में. ठीक है, तो इसमें हम construction क्या करेंगे, construction करेंगे, draw AD at right angles टू ए सी. ठीक है, हमें क्या चाहिए, इधर वाली साइड में हम एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे इसकी. ठीक है, सेम एज इट इज राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है. तो ये वाले पॉइंट को हमने क्या ले लिया, डी ले लिया. ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री. हमें इसको भी प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है. ठीक है, तो देखो फिर आगे क्या करेंगे हम, जब ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, ये जो लाइन है ये इसके इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, इसके ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में. देन क्या करेंगे हम, सीडी को ज्वाइन करके एक राइट एंगल ट्राइंगल एक्स्ट्रा बना लिया हमने. ठीक है, तो अब क्या होगा,
तो कंस्ट्रक्शन में एक आप लिखोगे मेक, डी ए इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। राइट एंगल ये ड्रॉ करने के बाद ही हमें ये मिला ना कि ये वाली साइड है जो इसके इक्वल है, देन ज्वाइन सी डी जो हमने ये वाली की है, ठीक है। इन सबको मिला के क्या हो गया, हमारी एक ट्राइंगल की प्रोजेक्शन ड्रॉ होगी यहाँ पे। तो देखो अब क्या होगा, नाउ अब हमारे पास क्या है, डी ए इज इक्वल टू ए बी, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है, ठीक है, कि हमने बनाना है। देन नाउ हमारे पास क्या आ गया, ए डी डी ए इज इक्वल टू ए बी आ गया। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर साइड्स इक्वल है तो इनके जो स्क्वायर्स हैं, अगर इसके दोनों साइड में स्क्वायर्स लगा दें, हमने पढ़ा ना कि दोनों साइड सेम, जैसे फोर है इधर भी फोर है, ठीक है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी टू से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं ना पड़ता, ठीक है, बैलेंस हो गई है आपस में। इसलिए हमने यहाँ पर भी स्क्वायर लगा ली यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम में क्या चाहिए, हमें स्क्वायर की नीड है, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिख दिया, डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब देखो क्या लिखेंगे, डी ए स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है ये वाली ट्रायंगल का इज इक्वल टू, इसका भी क्या लेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब देखो डी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस डी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, सी डी स्क्वायर के, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बी सी स्क्वायर के, ठीक है। तो हमें पता है इक्वालिटी का साइन है बीच में, स्क्वायर और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, सी डी इज इक्वल टू बी सी आ गया, ठीक है। जो सी डी है हमारे पास बी सी के इक्वल, मतलब क्या है, जो हमने प्रोजेक्शन ड्रॉ की थी उसको हमने रियल वाली ट्रायंगल के इक्वालिटी में शो कर दिया, ठीक है। तो अब देखो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी ये वाली ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए बी जो है ए डी के इक्वल है हमने प्रूव किया, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए डी हमने पहले प्रूव कर दिया, क्योंकि जो क्या है बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, ये साइड इसके इक्वल है। देन क्या करेंगे, उसके बाद में क्या है, जो बी सी है, बी सी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल, हमने यहाँ पे प्रूव किया, बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो हमें पता है कि ए सी है दोनों दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन लाइन है, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज कॉमन लाइन या फिर कॉमन परपेंडिकुलर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, साइड 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 ये तीनों साइड्स हमने इक्वल कर दी ना, तो क्या होगा, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी तो क्या होगा, सी ए डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है। ट्राइंगल्स दोनों को देखो, दो ट्राइंगल्स क्यों रिक्वायर्ड थी हमें, ठीक है, हम एक से क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें क्या है, एक ट्रायंगल में तो हम ना ही तो कॉमन लाइन ले सकते, तो हम प्रॉपर्टी कौन सी फॉलो करते, ठीक है, इसलिए हमने क्या ड्रॉ की, प्रोजेक्शन वाली ट्रायंगल ड्रॉ की, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।